हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। दिस इज समीर एंड यू आर वाचिंग MSQ व्लॉग। सो गाइस, हम लोग हैं अगवान गोट फार्म पर। आज एक और नया लॉट आया है जो कि फॉर सेल है, देना है अशरफ भाई को। इसमें तीन बड़े पंजाबी हैं, एक गुजरी, एक बर्बरी है, ठीक है। सो आइए हम लोग बात करेंगे अशरफ भाई से और जानेंगे इन बकरों की डिटेल्स, क्या डिटेल है, क्या प्राइस वगैरह ये कोट कर रहे हैं, ठीक है। अस्सलाम वालेकुम भाई। अस्सलाम समीर भाई। सो अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। तो अशरफ भाई क्या बोलते हैं? बस दुआ। एक और नया लॉट। हाँ, एक और नया लॉट आया पंजाबी का। माशाल्लाह, दो कोटे हैं, तीन पंजाबी है। दो कोटे? हाँ, दो कोटे। अच्छा, है। और भी है क्या? मैं बोला इसमें कोटे तो कोटे दिख नहीं रहे। हाँ, एक तीन पंजाबी, एक बरबरा है लेडी में, और एक हाईपेड में है और एक सोजत में है। सोजत और हाईपेड जो है उसकी कहानी है, कहानी बताए के बाद में। तो पहले इनकी कहानी को पूरा करते है, ठीक है। तो आने दो। सो गाइस, ये तीनों बकरे हैं जो है बीटल में, पंजाबी में। माशाल्लाह, रहने दो, भागने दो, ऐसे ही मजा आ रहा है देख। हाँ हाँ, चलो इसको पकड़। अरे है माशाल्लाह। सो शुरुआत करते हैं, ये माल कब आया? जब तक बकरे पकड़ के तो समीर भाई आके समझो 8 दिन हो गया। इनको एक PPR की वैक्सीन और डिवर्मिंग कर दी है। ओके। और खुर भी कट गए हैं इनके। आज कटिंग हो गए। हमारे शादाब भाई आए थे आज, तो खुर भी काट दिए आज। सही। कुछ बकरों के अब भी 6 दांत फ्रेश कर रहा है। ओके। 70 kg की लगभग का है। 70 से 1 किलो अगर कम होगा तो होगा, नहीं तो 70 पूरा ही है समझो। आपने वजन वगैरह किया है शायद? अपना किया है, आए थे तभी तो कम थे, लेकिन अभी परसों की वजन की मैं बता रहा हूँ 68-67 kg पे है सब। 68-67 kg पे है अभी। तीनों के सेम ही वेट है, 1 किलो का आगे पीछे है खाली। ठीक है। इसको ये जो हल्दी जो लगी है, क्या कलर लगा है हल्दी लगी? क्या होता है पंजाबी बकरों की, आप देखोगे ना तो सिंग लड़ती है। तो इसकी सिंग भी काट दिए है, खुर भी कटिंग हो गए है, अभी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, दूसरा बकरा दिखाते हैं। ये भी फुल ब्राउन में है। ओहो, हाइट वगैरह सबकी सेम है अशरफ भाई? क्या अलग अलग? 39-40 ऐसा ही पकड़ के चलो। थोड़ा फेस मेरी तरफ करो ना। ओके, इसका भी वेट आपने जो बताया सेम? हाँ, ये भी 6 दांत किया है अभी। ठीक है, 6 दांत है, वाइड आइस माशाल्लाह। और खुर वगैरह तो आज ही कट हुए हैं। आज हम लोग इतनी 20 तारीख है जिस दिन हम लोग वीडियो बना रहे हैं। आज 20 तारीख है ना। ठीक, ये भी 6 दांत पे भाई। 6 क्या 8 है? बराबर देखो, 8 है ना अशरफ भाई। हाँ, ये देखो निकाला कहाँ? 1, 2, 3, 4 6 क्या 8 है? 6। चलो ठीक है, जो है गलत गलत अगर अपन रहेंगे तो पब्लिक सही कर देगी। ठीक है। सो ये इसका क्या वेट होगा अशरफ भाई? लास्ट सेम सेम 69-70-71। और हाइट? हाइट 39 के 9 ही पकड़ के चलो। ओके, फिर जो ऊपर आ जाए। क्या लगता है ये बकरों का हाइट वगैरह भी और बढ़ेगा, वेट वगैरह? हाइट तो नहीं बढ़ेगी, वेट का अपन बोल सकते हैं वेट तो गेन कर ले, क्योंकि जब अभी भी जो वहाँ से चले थे वो वेट पे अभी भी नहीं है। वहाँ से क्या वेट पे आए थे? 73-74 okay. ये वेट पे चले थे। और बकरों के वजन भाई सफर में इतना खराब हो गया रास्ता, 12-12 किलो 10-10 किलो वजन तोड़ रहे हैं। और एक्चुअली में रास्ता बहुत खराब है, क्योंकि हम लोग भी पिछले हफ्ते बाय रोड ट्रैवल करके आए हैं, तो हमको भी पता चला है। और सूरत के बाद तो बहुत ज्यादा ही खराब है। अरे, इतनी ताकत लगा रही है भाई। ये भी 6 दांत पे है। ये 6 दांत। ओके, टेडी है। टेडी बरबरा, एकदम यूनिक कलर में है। कलर अच्छा है, मुंडे में है ये। और इसकी हालत तो जिस दिन ये आया था उस दिन मैंने इसको देखा था भाई, अजीब हो रहा था वो। करके मिलाए नहीं है इसको भी। और मिलाए नहीं है अभी इसको, तो माशाल्लाह बहुत अलग हो गया ये। इसने वेट अच्छा मतलब पुट ऑन किया है मेरे ख्याल से जब से आया। लगभग 45 तक पहुंच गया। आया तभी कितना था? आया तभी कम हो गया था, 38 हो गया था, है ना। मेरे को तभी वही मुझे लगा ही था। और ये वाइट आइस में है? हाँ, है ना, वाइट आइस में। बहुत अच्छे, बहुत चारों बकरे वाइट आइस में, चारों के चारों वाइट आइस में है। और अभी हम इनकी प्राइसिंग की बात करेंगे अशरफ भाई। क्या प्राइसिंग है सभी भाई? ये कोई भी लेता है ना तीनों, जो पसंद आए वो लो। 35,000 रुपए का एक। इसमें कुछ कम ज्यादा नेगोशिएट कुछ करेंगे? 35,000 1,05,000 रुपए की पट्टी। 1,00,000 रुपए में दे देंगे पहले ही। हाँ, कोई उसके बाद भी करेगी लोग? नहीं नहीं, फिर उसमें कुछ कम नहीं होगा। कोई और लेने में फायदा है भाई। हाँ, सबके वजन टूटे, वजन अभी टूटे हुए है। हाँ, क्योंकि लेके 1 हफ्ते में या 15 दिन में उनके जो एक्चुअल वेट थे सब
73 किलो 74 किलो उस पे आ जाएगा। ये भी 50 किलो का चला था वहाँ से। अच्छा, अभी भी 45 किलो पे है ये। ठीक है, तो इसका क्या प्राइस है? ये आ जाएगा 24,000 में। 24,000 में। इसमें कुछ कम ज्यादा? इसमें कुछ नहीं भाई, कुछ भी नहीं होगा। मुश्किल है एकदम। लेकिन कर देंगे, गुंजाइश तो करना ही पड़ेगी। हाँ। क्योंकि कस्टमर बार्गेनिंग के बिना सेटिस्फाई नहीं होता है। ठीक है, सो इसके कितने बजाय 24,000 रुपए। इसके 105,000 टोटल हो रहा है ये। हाँ। तीनों बकरों का। लेकिन ये पूरा लॉट लेंगे 1,00,000 रुपए में हो जाएगा। इसका जो सींग जो है कटिंग हो चुकी है, खुर कट हो चुके हैं। ये जो जख्म है ये सींग की वजह से हुआ था। काफी लोगों को इस बारे में पता है। कुछ सींग काटते हैं ना भाई, तो लगाना ही पड़ता। और कुछ नया नहीं है, ये नॉर्मल चीज है। हाँ। ये होती रहती है, ये बीटल बकरों के अंदर नॉर्मली देखी जाती है। आपको मिलेगी, नॉर्मली देखी जाती है। तो बकरे देखा जाए तो एकदम फिट एंड फाइन है। खुर कटिंग, वैक्सीनेशन, ये सब। इसकी भी सींग काटने की कोशिश किए थे क्या? भी किए थे। हाँ, क्योंकि इसकी भी सींग घसी हुई दिखी। दोनों की कटी ना। हाँ। इसकी नहीं काटे, इसको अभी लग नहीं रही है। देखेंगे अगर कुछ होगा आगे। इसकी टच हो रही थी क्योंकि देखो इसका वाइट ये जो बाल दिख रहे हैं ना, ये देखो, ये बाद में क्या होता है, जख्म बना लेते जैसे इसमें बन गया था। और ये वहाँ पे जंगल में ताजी कटी है भाई। ये देखो बराबर, ये जंगल में जहाँ पे रहते हैं वहाँ पे ये लोग सब ध्यान नहीं देते ये चीज पे। क्या उनको कुछ पड़ी नहीं है भाई। सारे के सारे बकरे गलत डिटेल पे आ रहे हैं समीर भाई। अभी अपन मैं देख रहा हूँ रेगुलर अपन सेल की वीडियो डाल रहे हैं। बस सेल के कम से कम 50 जानवर आ गए समीर भाई। एक बकरा भी अभी तक सेल डिटेल पे नहीं आया। एक सिंगल बकरा भी। इधर आओ, इसकी वीडियो अपन नहीं बना रहे समीर भाई। ये बकरा वहाँ से 54 किलो का चला है। 54 54 किलो का बोल गए। यहाँ पे वजन हुआ रात में, रात में उतरा है, सुबह वजन हुआ है खिला पिला के। ये 38 किलो तुला है, 38 kg। कितना माइनस हो गया सोचो ना, 16 किलो करीब, 15-16 किलो माइनस हो गया। इतना उतना होना पॉसिबल है? तो जंगल में बैठ के जूट का धंधा बंद कर दो। बाप रे, लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं यार अशरफ भाई? मतलब अगर अपन नहीं तो कमाएंगे तो 10 दिन हो गया आके। ये 74, 73, 69 ये वजन के वहाँ से बोल के चले थे। आज 10 दिन होने के बाद भी अभी तक ये अपने वजन इनके पे नहीं आए। जो खांचे बन गए थे ये अभी तक भर नहीं पाए। इनके वीडियो जब आए थे मेरे पास, आप देखोगे। हाँ। इसका जो पेट दिख रहा है ना। हाँ हाँ हाँ। ये पेट की वीडियो है। हाँ। अभी भी ये दो के खांचे है, अभी भी वो खांचे नहीं भर पा रहे। और ये खांचे भरना ही सबसे बड़ा टास्क होता है। वो भर नहीं पाते। लेकिन लेके कोई पलाई पे भी रखा तो कोई टेंशन। अच्छा, पलाई के बारे में अगर बात कर रहे हैं तो पलाई क्या लेंगे? 3,000 रुपए अंडुल है क्योंकि इसीलिए। और वैक्सीन वगैरह हो चुकी है, एक वैक्सीन पीपीआर और डीवर्मिंग, ये दो चीज हो गई। दोनों चीज हो चुकी है। ठीक है, सो नंबर मैं स्क्रीन के ऊपर दे दूंगा। बकरे अवेलेबल, 4 बकरे है इसी में दिखाएंगे। ये 7 मिनट का वीडियो हो गया, उसको एंड करते। ठीक है, एक दूसरा। सो गाइस ये वीडियो का एंड करते, एक और वीडियो बनाएंगे जिसमें हम लोग आपको और भी दूसरे बकरे दिखाएंगे, वो भी फॉर सेल रहने वाले हैं माशाल्लाह। 2-4 वीडियो आज यहाँ पे वापस से कवर होगी। काफी सारा लॉट आ रहा है और माशाल्लाह इनसे सेल आउट वीडियो एमएसक्यू पे आती है। तो नाराज ना हो, अच्छा लगे तो देखो, नहीं लगे तो स्किप मारो। नहीं, ना लगे तो लाइक करो, ना अच्छा लगे तो लाइक करो। सब्सक्राइब करो। तुम जले पे नमक छिड़क नहीं देखो, ये तो हम बोलेंगे ही नहीं। देखो मजा आता है, बहुत सारे लोगों को मजा आता है। एक आध को नहीं आता, उनको भी आने लगेगा। तो फिर अभी क्या करें? नहीं, उनको भी आने लगेगा, लेकिन देखना दिल, यहाँ से दिल से देखना पड़ेगा, तो फिर मजा आएगा। ठीक है, सो मत लो, वो एक अलग बात है। अच्छी कमेंट करो, किसी की हौसला अफजाई करो। हाँ, किसी को शौक खत्म करने वाली कमेंट ना करो। हम लोग की तो कोशिश वही है कि हम लोग लोगों का शौक बढ़ाए। ठीक है, कमाना तो एक सेकेंडरी ऑप्शन है, और कमाने के लिए हर कोई करता है। कोई वो करता कोई भी बोले मैं शौक कर रहा हूँ, मैं शौक कर रहा हूँ, हम भी पैसा कमा के ही दे रहे हैं। 1,000-2,000 रुपए हम लोग कमा के ही देते हैं। ठीक है, हम लोग सेवा नहीं कर रहे हैं। बस बहुत अच्छे, एकदम ऑनेस्ट, क्या बात है। हाँ, सो गाइस ये वीडियो क्लोज करता हूँ। नंबर मैं स्क्रीन के ऊपर दे दूंगा, लोकेशन में डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। आप लोग डायरेक्टली यहाँ पर पहुंचे, देखे, पसंद करे, उसके बाद सौदा करे। माशाल्लाह काफी अच्छे बकरे है। ठीक है, सो गाइस मिलते हैं आपसे अगले व्लॉग में। जब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।